रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में हर दिन नहीं हर पल नए रिश्ते बनते हैं और पुराने बिगड़ते हैं। गौरी नागौरी कभी शिव ठाकरे, साजिद खान, अब्दुल रोजिक और एमसी स्टैन की क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन इनके बीच ऐसी दूरी आई कि अब पर्सनल कॉमेंट तक किए जाने लगे हैं। बीते एपिसोड में घर में महायुद्ध हुआ। वैसे तो झगड़ा साजिद खान गौरी नागौरी में हुआ था, लेकिन बीच में शिव ठाकरे घुसे और फिर अर्चना भी कूद गई गौरी की तरफ से बोलने लगी। शिव इस दौरान अर्चना के इतने नजदीक आ गए, शायद जानबूझकर आ गए कि उन्होंने शिव के गले पर हाथ ही रख दिया। बस फिर क्या था, शिव के दोस्त निमृत कौर अहलूवालिया, सुम्बुल तौकीर खान और शालीन भनोट ने आवाज उठाई और बिग बॉस से अर्चना को बाहर निकालने के लिए अड़ गए हैं। ये सब देखने के बाद सोशल मीडिया पर शिव को लेकर जमकर लताड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो साजिद खान के पोपट बन गए हैं, हर समय सिर्फ सर 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 कहते नजर आते हैं। क्या उन्हें साजिद की गलतियां नहीं दिखती हैं? कुल मिलाकर जिस शिव ने दो वीक्स में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, उन्होंने गलत का साथ देकर अपने इमेज को खुद ही खराब कर लिया है। साजिद खान ने जिस तरह से गौरी नागौरी को उल्टा सीधा कहा, पर्सनल कमेंट किए, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। बीते एपिसोड में घर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ट्विटर पर साजिद के साथ साथ शिव की भी क्लास लगती नजर आ रही है। वेल, कमेंट्स की बात करें तो यूजर्स तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि शिव पोक करते हैं तभी अर्चना इतना बोलने लगी है। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं, शिव को भी बाहर निकालो क्योंकि वो अर्चना को पोक कर रहा था। साथ ही अन्य यूजर लिखते हैं, पहली बात तो ये कि शिव दो तीन दिन से प्रोवोकिंग कर रहा है, ऊपर से अब्दू को इन्होंने सर पर चढ़ा दिया है, अर्चना अकेली इन सब पर भारी पड़ती है और ये सारे मिलकर उस पे चढ़ जाते हैं। वाली बात तो साफ हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर अर्चना को फुल ऑन सपोर्ट मिल रहा है। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।